हाँ मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल स्वागत करता है आप सभी लोगों का। तो भैया अभी अभी KBS का नया नोटिफिकेशन आया है। इस नोटिफिकेशन के द्वारा यह बताया गया है कि ऐसे सभी अभ्यर्थी जो अपेयरिंग हैं, जो CTET क्वालिफाई नहीं हैं, वह फॉर्म नहीं भर सकते हैं और आपके एज रिलैक्सेशन के बारे में भी यहाँ पर कुछ बताया गया है। चलिए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है पहले बिंदु में कि यदि आप लोगों ने CTET 2022 वाला जो जुलाई वाला फॉर्म था, जिसका पेपर होने वाला है, दिसंबर 29 दिसंबर से पेपर होने वाला है, वह फॉर्म अभी तक आप लोगों ने भरा है और वो परीक्षा देने वाले हैं, तो आप अपेयरिंग स्टूडेंट माने जाएंगे और ऐसे अपेयरिंग स्टूडेंट जो है इस केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी KBS का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। यह यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। यदि आप CTET की डिग्री है आपके पास, CTET की मार्कशीट है, पुराने CTET आपने कोई भी CTET क्वालिफाई किया है, उसके आपका मार्कशीट है, तो आप केंद्रीय विद्यालय संगठन का फॉर्म भर सकते हैं। और यदि आपके पास इस बार CTET देने वाले हैं तो आपके लिए यह फॉर्म नहीं है। पहले बिंदु में यह साफ साफ लिखा है। दूसरे पॉइंट में यहाँ पर क्या बताया गया है, दूसरे पॉइंट में बताया गया है कि भैया पिछले लगभग 2 सालों से कोविड चल रहा था, कोविड-19 चल रहा था, जिसके कारण केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो भर्ती थी पिछले 4 सालों से यह भर्ती नहीं आई थी। तो बहुत से लोग यह डिमांड कर रहे थे कि कुछ एज में छूट दे दिया जाए, एज रिलैक्सेशन दे दिया जाए। तो यहाँ पर साफ साफ जो है केंद्रीय विद्यालय संगठन ने बताया है कि हम कोई भी एज में छूट नहीं देंगे, एज रिलैक्सेशन नहीं देंगे, जितना है उतना ही माना जाएगा। OBC के लिए, SC ST के लिए और वुमेन के लिए जो एज में छूट दिया गया है, बस वही हमारा एज में छूट रहेगा, बाकी उसके कारण यानी कि कोविड-19 के कारण एज में कोई भी छूट नहीं दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर दो आपके बड़े प्रश्न सॉल्व हो गए हैं। पहला, क्या अपेयरिंग वाले KBS का फॉर्म भर सकते हैं, अपेयरिंग वाले KBS का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। बहुत सारे लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। और दूसरा आपका प्रश्न कि क्या एज में कोई छूट मिलेगी, तो एज में कोई छूट नहीं मिलेगी, जो विज्ञापन में लिखा गया है वही आपका माना जाएगा।